ग्रीन कलर के ये पत्ते बना के लेने हैं। पहले इसके लिए मुझे स्लिपिंग लूप बनाना है। थर्टी चेन्स बनानी है। थर्टी चेन्स बना के हो गए मेरी 3030। तीस चेन बना के हो गए। देखिए अब मुझे दो चेन्स एक्स्ट्रा बनानी है और जो 29 नंबर का डबल क्रोशेट है उसमें मुझे ये डबल क्रोशेट बनाना है। 29 नंबर का जो चेन है उसमें आगे के सारे चेन्स के ऊपर मुझे डबल क्रोशेट बनाते जाने हैं। सारे चेन्स के ऊपर डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। देखिए ये लास्ट वाला मेरा डबल क्रोशेट है। अब मुझे तीन चेन्स बनानी है और टर्न करना है। आगे का ये चेन्स वाला एक दो तीन की जो तीन डबल क्रोशेट है, एक ये चेन्स वाला, दूसरा ये तीन और ये चार, चार नंबर का जो डबल क्रोशेट है उसमें मुझे क्रोशे हुक डालना है और बाहर ला के बंद कर देना है और उसी क्रोशे में हमें फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है। ये जो डबल क्रोशेट है फोर नंबर का, उसी में मैंने ये बंद कर दिया पहले और फिर से एक डबल क्रोशेट बनाया। देखिए फिर से तीन चेन्स बनाई हैं टर्न करके, जो एक दो तीन चार, ये जो चार नंबर का डबल क्रोशेट है उसमें मुझे क्रोशे हुक डालना है और बंद कर देना है और उसी डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट बनाना है। क्रोशे हुक के ऊपर यार्न को लेना है और यहाँ मुझे फिर से ये डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के जो सारे डबल क्रोशेट हैं उसके ऊपर डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ तक मुझे डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है ये इस पे अब मुझे बनाना है। इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये जो गैप है इसमें मुझे अब छह डबल क्रोशेट बनाने हैं। सिक्स सिक्स डबल क्रोशेट मुझे यहाँ ये गैप में बनाने हैं। देखिए ये जो राउंड है ये डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर मुझे छह डबल क्रोशेट ऐड करने हैं। दो हो गए, तीन, चार, पाँच और ये छह, छह डबल क्रोशेट मैंने ऐड कर दिए। ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक डाला और उसी डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने छह डबल क्रोशेट ऐड कर दिए। अब जो ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर मुझे एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके आगे का जो है सारे डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ तक आने हैं।
ये मेरा लास्ट वाला है। आगे के तीन डबल क्रोशेट हमें नहीं बनाने हैं इसके ऊपर, 1 2 3, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं। जो पत्ते का शेप है ये यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक बनाएंगे तो ये जो जो शेप है वो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ के 4 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट मैंने छोड़ दिए हैं नीचे के। अब हमें यहाँ से टर्न होके यहाँ से आना है, फिर से यहाँ से टर्न होके ऐसे। अब हमें ऐसे राउंड में आना है, हाफ सर्कल में, हाफ सर्कल में टर्न होना है। देखिए आगे के 3 डबल क्रोशेट मैंने छोड़ दिए हैं। अब सेम उसी तरह से 3 चेन बनाना है और टर्न करना है। टर्न करके ये चेन्स वाला 1 2 3, और जो 4 नंबर का डबल क्रोशेट है उसमें मुझे क्रोशे हुक डालना है और या बंद कर देना। अब उसी डबल क्रोशेट में हमें फिर से 1 डबल क्रोशेट, जो डबल क्रोशेट उसमें बंद कर दिया है उसी डबल क्रोशेट में मैंने एक नया डबल क्रोशेट बनाया है। आगे सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाने हैं, यहाँ तक, यहाँ तक जहाँ हमने एक्सटेंड किए हैं उससे पहले वाला जो है, जो 6 डाले हैं वो नहीं, उसके आगे तक हमें बनाने। तब मैं यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये मेरे 25 डबल क्रोशेट है। अब जो ये आगे के 6 हमने बनाए हैं उसमें जो गैप है वो हर गैप में हमें 2 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं यहाँ हमें, 6 के ऊपर 12 डबल क्रोशेट हमें एक्सटेंड करने हैं, ज़्यादा बनाना। छः हो गए मेरे और मुझे 6 बनाने हैं। दस हो गए और 2 बनाने हैं। देखिए 12 डबल क्रोशेट हो गए। ये मेरा मार्कर जो है ये 25 नंबर के ऊपर लगा है। इसके आगे मैंने ये 2 4 6 7 8 9 10 11 12 बनाए, और उसके आगे का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर मुझे 1 बनाना है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर हमें, पहले हमने 6 बढ़ाए अब ये लाइन में 12 बढ़ाए। देखिए यहाँ तक आनी है, लास्ट के जो 4 नंबर का डबल क्रोशेट है यहाँ तक मुझे बना के आने हैं। 1 2 3 4, ये 4 नंबर का जो डबल क्रोशेट है यहाँ तक मुझे बनाने हैं। ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट। आगे के जो 3 डबल क्रोशेट हैं ये हमें छोड़ देने हैं। ये जो लास्ट 4 नंबर का डबल क्रोशेट है वहाँ मैंने बनाया है। आगे के 1 2 3 डबल क्रोशेट मुझे छोड़ देने हैं। ये जो 4 नंबर का डबल क्रोशेट है इसमें मैंने डबल क्रोशेट बनाया। अब फिर से 3 चेन्स बनानी है और टर्न करना है, और उसी तरह से 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर का डबल क्रोशेट है इसमें मुझे क्रोशे डाल के ऊपर आना है और बंद कर देना है। अब उसी डबल क्रोशेट में मैंने फिर से 1 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से आगे बनाते जाना है। आगे हमें यहाँ तक बना के आने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब मैं 20 बना के आई, 20 डबल क्रोशेट बना के लिए मैंने। अब जो 20 डबल क्रोशेट है उसके बाद हमें जो ये 20 और 21 नंबर का डबल क्रोशेट का जो गैप है वहाँ एक बनाना है। देखिए ये जो गैप है यहाँ एक बनाना है।
इसके आगे दो जो है उसके ऊपर दो बनाने हैं, जो हमने 12 डबल क्रोशेट बनाए थे, दो दो उसके दो के ऊपर दो बनाने। नेक्स्ट जो दो के बाद जो गैप है वहाँ एक बनाना है, आगे जो दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद जो एक गैप है उसमें एक बनाना है, फिर से दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर दो डबल क्रोशेट के ऊपर दो दो बनाना है, और उसके बीच में जो गैप है उसमें भी एक एक बनाना है। जो ये गैप है उसमें भी बनाना है एक डबल क्रोशेट, फिर से दो डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से जो आगे का जो गैप है उसमें दो डबल क्रोशेट के बाद वाला, फिर से दो डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से ये आगे का जो गैप है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से ये दो डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से जो नेक्स्ट गैप है इसमें एक बनाना है, सारे दो दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर दो दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, और जो सेंटर में है उसमें एक एक बनाना है, जो दो डबल क्रोशेट के स्टार्टिंग में भी वो सेंटर में एक लेके बनाना है 20 के बाद, और एंड में भी जो उसके बाद भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक आगे जो सारे डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक बनाते जाने हैं। देखिए यहाँ से तीन छोड़ के, ये लास्ट वाले जो तीन हैं ये छोड़ने हैं, और चौथा वाला है वहाँ हमें एंड करना है। ये जो यहाँ से तीन छोड़ने हैं डबल क्रोशेट, और जो चौथा वाला डबल क्रोशेट है उसमें हमें एंड करना है। देखिए अब ये लास्ट जो है इसमें मैं बना रही हूँ, आगे के एक दो तीन हमें छोड़ने हैं। अब तीन चेन्स बनानी हैं और टर्न करना है, क्रोशेट को निकाल के एक दो तीन चार, यहाँ हमें बंद करना है, और उसी डबल क्रोशेट में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है और आगे बनाते जाने हैं सारे डबल क्रोशेट। अब मेरे यहाँ तक बना के हो गए। अब मैंने ये मार्कर यहाँ पे 18 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर लगाया है, और ये जो मार्कर है मेरा 20 नंबर का, जो पहला वाला जो है वो, ये मेरा 18 नंबर के ऊपर मैंने ये लाइन से जब आई तब ये मेरा 19 नंबर का सिंगल डबल क्रोशेट होगा। आगे जो ये डबल क्रोशेट है 19 नंबर का उसके ऊपर मैंने एक ही बनाना है, उसके आगे जो 20 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मुझे दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। 20 नंबर का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैंने दो बनाए हैं, जो उसके नेक्स्ट 21 नंबर का है उसके ऊपर एक ही बनाया है, 22 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैंने दो बनाने हैं, 23 नंबर का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक ही बनाना है, 24 नंबर का जो है उसके ऊपर दो बनाने हैं, 25 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक ही बनाना है, उसके आगे का 26 नंबर 26 नंबर उसके ऊपर दो बनाने हैं, 27 नंबर के ऊपर एक ही बनाना है 27 नंबर के ऊपर, 28 नंबर के ऊपर
दो बनाने हैं, दो डबल क्रोशेट 28 नंबर के, 29 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही बनाना है, 30 नंबर जो 30 नंबर का है उसके ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, 31 नंबर के ऊपर एक ही बनाना है, 32 नंबर के ऊपर दो बनाने हैं, 33 नंबर के वन पर वन बनाना है, एक ही बनाना है, 34 नंबर के ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, जो 35 नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक ही बनाना है, 36 नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर दो आएंगे हमारे, दो डबल क्रोशेट बनाए मैंने, जो 37 नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशेट आएगा। देखिए अब ये मार्कर तक आ गए, लास्ट लाइन का जो 20 नंबर का है इसके ऊपर भी हमारा एक ही डबल क्रोशेट बनेगा। इस तरह से आगे के यहाँ तक आने हैं बना के, जो लास्ट तीन डबल क्रोशेट हैं वो छोड़ने हैं, चौथे नंबर के ऊपर हमें एंड करना है। लास्ट वाला है मेरा चार नंबर का जो है, एक दो तीन चार, मैंने क्लोज कर दिया यहाँ। अब मुझे फिर से एक दो तीन चेंज लेनी है और टर्न कर देना है, और उसी तरह से एक दो तीन चार, चार नंबर का जो डबल क्रोशेट है उसमें मुझे ये टर्न कर देना है, और उसी डबल क्रोशेट में मुझे एक बनाना है। आगे बनाते आने हैं यहाँ ऊपर, अब हमें सारे जो डबल क्रोशेट हैं यहाँ तक ये लास्ट के चार छोड़ने हैं, एक दो तीन छोड़ने, चार वाला जो है उसमें हमें एंड करना है, सारे जो डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें कहीं भी एक्सटेंड नहीं करना है, कहीं भी ऐड नहीं करना है, जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर ही हमें सारे डबल क्रोशेट बनाते जाने हैं। यहाँ तक आना है कि यहाँ तक आ गई, और एक दो तीन चार, ये लास्ट का जो चार वाला है वहाँ हमें ये बंद करके एक्स्ट्रा वाला धागा कट करना है, ये तोरण के लिए हमें पत्ते बना के लेने हैं। ये आठ पत्तों की ज़रूरत है पूरे तोरण के लिए, एट जो हमें ये लीव्स है ये एट बना के लेनी है, आठ गणेश जी बनाने के लिए हमें ऑरेंज कलर लगेगा, थोड़ा सा वाइट कलर का वो लगेगा, रेड कलर का वो लगेगा, और ये येलो कलर है, लाइट येलो कलर है ये हमें लगेगा। ये मुकुट बना, मैजिक लूप बनाना है पहले, तीन चेन्स बनानी है, तीन चेन्स बना के लेनी है, और आगे 14 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये 14 डबल क्रोशेट हो गए मेरे, जो चेन्स का है वो मिला के 15 हो जाएंगे। अब जो ये थ्रेड है यह हमें खींचना है, इसे राउंड हो जाएगा, और जो चेन्स का पहला वाला जो बनाया था उसमें हमें ये क्रोशियो के डाल के बंद कर देना है। फिर से तीन चेन्स बनानी है, और जो
ये डबल क्रोशेट है, लास्ट नीचे का, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर अब हमें दो दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, चेन्स नहीं लेनी है। जो नीचे के 15 डबल क्रोशेट हैं इसके ऊपर हमें दो दो, यानी पूरा सर्कल ये 30 डबल क्रोशेट का बनेगा, दो दो डबल क्रोशेट हर एक नीचे के डबल क्रोशेट के ऊपर हमें बनाना है। ये लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर भी मैं दो डबल क्रोशेट बनाऊंगी। जो पहला चेन्स वाला है उसमें हमें क्रोशेट डाल के ये सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए ये लाइन में हमने एक एक डाले, फिर सेकेंड लाइन में हमने एक डबल क्रोशेट के ऊपर दो दो बनाए, अब नेक्स्ट लाइन में ये दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक बनाना है, और जो दो डबल क्रोशेट के बाद जो गैप है उसमें हमें एक एक बनाना है। पहले तीन चेन्स बनानी है, उसके आगे एक दो हो गए, उसके बाद जो ये दो डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में एक बनाना है, फिर से आगे के जो दो डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हमें एक एक बनाना है। दो डबल क्रोशेट के बाद जो ये गैप है इसमें हमें एक बनाना है, फिर से सेम जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट है उनके ऊपर दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, और आगे जो गैप है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट ऐड करना है। ये तीसरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है हमें। ये लास्ट वाला डबल क्रोशेट है तीसरी लाइन का, अब इसके ऊपर मैंने एक बनाया, और ये चेन्स का और ये डबल क्रोशेट इनके जो बीच में हमें एक डबल क्रोशेट और बनाना है। चेन्स का जो बनाया है इसमें हमें क्रोशेट डाल के एंड करना है। ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट धागा कट कर, तो कहाँ से भी पहले जो शुरुआत है कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने थ्रेड को ज्वाइन कर दिया, मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि ये सर्कल है, आप कौन सा भी डबल क्रोशेट ले सकते हैं। जो पहला वाला कान है वो बनाने के लिए अब हमें यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशेट लगेंगे। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर मैं एक दो दो डबल क्रोशेट बनाऊंगी। पहला मेरा चेन्स का हो गया, हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दो दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, छह डबल क्रोशेट के ऊपर 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आठ हो गए, दस दस हो गए, और ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसमें मैं दो बना रही हूँ, क्रोशेट बनाने हैं। ये मेरा चेन्स का पहला हो गया, टर्न करना है, उसके आगे का जो गैप है वहाँ एक बनाना है, दो हो गए। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक बनाना है, उसके आगे का जो है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट 1 2 3 4, चार नंबर का जो है उसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। जो पांच नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर मैं एक ही बना रही हूँ, छह नंबर का है उसके ऊपर भी एक ही बना रही हूँ, जो सात नंबर का डबल क्रोशेट है
इसके ऊपर दो डबल क्रोशेट बना रही हूँ, जो 8 नंबर का है इसके ऊपर एक, 9 नंबर का है इसके ऊपर एक, जो 10 नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर मैं दो डबल क्रोशेट बना रही हूँ। आगे का जो है एक, और इसके आगे एक, देखिए 16 डबल क्रोशेट हो गए मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो 16 नंबर का डबल क्रोशेट है इसके आगे का जो है 17 नंबर का, यहाँ हमें दूसरा वाला जो कान है वो बनाना है। ये जो 16 डबल क्रोशेट है ये छोड़ने हैं हमें, इसके आगे जो 17 नंबर का डबल क्रोशेट है उसमें हमें दूसरा कान बनाना है। देखिए मैंने दूसरा कान भी कंप्लीट कर दिया है, हमारे दोनों कान तैयार हैं। अब हमें मुकुट बनाना है। मुकुट बनाने के लिए हमें ये येलो कलर का धागा ज्वाइन करके लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ने हैं डबल क्रोशेट, और ये जो 5 नंबर का डबल क्रोशेट है यहाँ हमें धागा ज्वाइन करके लेना है। देखिए यहाँ 5 नंबर का डबल क्रोशेट में मैंने धागा ज्वाइन करके ले लिया। पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, टर्न करना है। आगे के जो 7 डबल क्रोशेट हैं उसके ऊपर हमें 7 डबल क्रोशेट बनाना है। ये चेन्स का मिला के 8 हो जाएंगे। आठ डबल क्रोशेट हो गए मेरे। अब हमें 2 चेन्स बनानी है, और जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशेट बनाना है, फिर आगे 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 8 के ऊपर हमारे 6 डबल क्रोशेट हो गए। फिर से 2 चेन्स बनानी है, टर्न करना है। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 1 2 3 ये 4 और ये 5, 5 डबल क्रोशेट हो गए मेरे। फिर से चेन्स, 2 चेन्स लेनी है, और आगे का 1, ये 2, 2 चेन्स लेके हमें यहाँ बंद कर देना है। मैंने 8 डबल क्रोशेट बनाए, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 5 और इसके ऊपर 2 ही डबल क्रोशेट बनाए हैं। ये हमारा चेन्स का है और यहाँ हमने चेन्स लिए और ये बंद कर दिया है। एक्स्ट्रा धागा कट कर दे। इसके बाद अब हमें गणेश जी की सूंड बनानी है, तो ये अलग से बनेगी, इसके साथ नहीं बनेगी, ये अलग बनेगी। इसके लिए 8 चेन्स बनानी है। आठ चेन्स बनानी है, और हमें ये क्रोशे के ऊपर यान को लेना है और जो नेक्स्ट इसमें डालना है चेन में, और सारे इसी तरह से हमें सारे चेन्स के ऊपर ये डबल क्रोशे बनाने हैं।
ये लास्ट वाला है मेरा। आठ हो गए। इसके ऊपर फिर से दो चेंस लेनी है, टर्न करना है उसी तरह से, आठ दो क्रोशेट के ऊपर हमें। दो चेंस लेनी है फिर से उसी तरह से, मैं क्रोशो के ऊपर यान को ले रही हूँ, क्रोशो डबल क्रोशो में डाल रही हूँ और बंद कर देना है। इसी तरह से हमें 14 लाइन बनानी है। देखिए 14 लाइंस मेरी कंप्लीट हो गए, अब मुझे दो चेंस लेनी है, एक एक और दो टर्न करके लेना है। और जो ये पहला और दूसरा डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में मैंने एक डबल क्रोशेट ऐड करना है। आगे के जो क्रोशे हैं इनके ऊपर एक एक बनाते जाना है इस तरह से। हाफ डबल क्रोशेट है मेरे, आठ और ये इस लाइन में मेरे हो गए नौ हाफ डबल क्रोशेट। आगे फिर से दो चेन्स लेनी है और जो जिस तरह से ये लाइन में हमने एक डबल क्रोशेट ऐड किया था उसी तरह से मुझे ये लाइन में भी एक क्रोशे ऐड करना है। फिर से उसी तरह से जो नौ है हाफ डबल क्रोशेट इनके ऊपर मुझे नौ बनाने हैं। अब ये जो गैप है यहाँ जैसे हमने स्टार्टिंग में एक ऐड किया था उसी तरह से जो एंड का और उसके पहले वाला जो डबल क्रोशेट है इसमें हमें एक और ऐड करना है। और जो लास्ट वाला है इसके ऊपर हमें एक बनाना है। तो इस लाइन में हमारे स्टार्टिंग में हमने यहाँ एक ऐड किया और यहाँ एक ऐड किया तो दो डबल क्रोशेट हमारे एक्स्ट्रा हो गए इसमें ये लाइन में। यहाँ हमारे दो जो हाफ डबल क्रोशेट हैं वो बढ़ गए। अब नेक्स्ट लाइन में भी दो चेन लेना है, टर्न करना है, जो ये गैप है वहाँ हमें एक बनाना है। फिर से आगे के यहाँ तक एक एक बनाते जाने हैं। जो 15 नंबर की लाइन है उसमें हमने एक ऐड किया है, उसके आगे का जो 16 नंबर का लाइन है उसमें हमने दो बनाए हैं, जो 17 नंबर का लाइन है उसमें मैं अब दो हाफ डबल क्रोशेट ऐड कर रही हूँ। देखिए अब ये जो एंड का है उसके पहले एक बनाना है और उसके ऊपर एक बनाना है। यहाँ हमारे 9 बन गए, यहाँ हमारे 10 11 बन गए, यहाँ हमारे 13 डबल क्रोशेट। अब ये लास्ट वाला लाइन है इसमें हमें उसी तरह से स्टार्टिंग में जो गैप है उसमें एक बनाना है, उसके आगे का जो है इसके ऊपर बनाते जाने हैं।
इस तरह से कुछ हमारा ये शेप बनेगा। अब ये हमें यहाँ जॉइन करना है। जॉइंट करने के लिए ये हमारा ऊपर का साइड है और ये नीचे का। देखिए इसके लिए ये मुकुट बनाया है और ये नीचे का साइड है, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो टर्न होके यहाँ तक आ जाएगा। तो पहले हमें ये जो डबल क्रोशेट है नीचे से उसे लेना है और ये हमें इस तरह से ये ऊपर उठाना है। जो पहले राउंड का डबल क्रोशेट है वह उसे मैं उठा रही हूँ और हमें यहाँ बंद कर देना है इस तरह से। आगे का लेना है, दूसरे नंबर का नीचे से लेना है और जो ऊपर का दूसरे नंबर का है उसको ज्वाइन कर देना है। फिर से तीसरे नंबर का ऊपर से लेना है अच्छे से, चौथे नंबर का लेना है नीचे से भी चौथे नंबर का ही लेना है, फिर से ये पांचवे नंबर का लेना है नीचे से भी ये पांचवे नंबर का लेना है, फिर से ये छह नंबर का और ये छह नंबर का। अगर आपने नीचे से मिस किया तो ये बराबर से नहीं बैठेगा, तो देख के लीजिए। ऊपर से एक लेना है फिर नीचे से एक लेना है, फिर से ऊपर का एक हमें लेना है डबल क्रोशेट और नीचे का एक लेके फिर से ऊपर से एक लेना है और ये नीचे का एक लेना है। फर्स्ट राउंड के जो 15 डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर हमें ज्वाइन करना है। ये मेरा लास्ट वाला है, यहाँ हमें ये धागा कट कर देना है। जो हमारा कॉटन है वो डालना है पूरे साउंड में, हमें स्टफ करना है एंड तक। और हमें सुई धागे से ये स्टिच करना है।
पूरे एंटर करना है। अब हम गणेश जी का दांत बनाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ धागा ज्वाइन करके ले लिया है। हमें यहाँ क्रोशिया को डालना है और ऊपर लाना है। एक दो तीन चैंस हो गए मेरी, एक दो तीन। उसे देखिए यहाँ मैंने धागा ज्वाइन कर दिया। ये क्रोशिया को नीचे डाला मैंने, ये यार्न को ऊपर लाया और यहाँ एक तो तीन चेन्स बनाई, तीन चेन्स बनाई। अब मुझे क्रोशे के ऊपर यार्न को लेना है और उसी जो जिस क्रोशे जिस डबल क्रोशेट में मैंने नॉट लगाया है उसी डबल क्रोशेट में मुझे फिर से डालना है। देखिए यार्न लेना है दो बार, एक बार देखिए इस तरह से क्रोशे के पर डालना है और ये यहाँ तक ही निकालना है। पूरा नहीं निकाला मैंने, आधा ही निकाला। फिर से क्रोशे के ऊपर यहाँ लेना है उसी डबल क्रोशेट में जहाँ हमने धागा ज्वाइन किया है उसी में मैंने डालना है और ये फिर से यहाँ को लेना है और ये पूरा निकाल देना है। एक चैन ली मैंने और यहाँ नीचे नीचे हमें ये यहाँ फिक्स करना है। एक्स्ट्रा धागा कट करते हैं। ये सारे धागे आप पीछे की तरफ ले जाइए क्योंकि जब हम फिक्स करेंगे तो ये नहीं देखेंगे। देखिए इस तरह से मेरा हो गया। अब यहाँ भी उसी तरह से बनाना है लेकिन यहाँ से थोड़ा एक दो डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ नीचे बनाना है। यहाँ धागा लगा के लेना है देखिए जहाँ मैंने ये धागा ज्वाइन किया है वहाँ से ही मैं क्रोशे को नीचे डाल लूँगी और वहीं से यार्न को लेके मैं तीन चेन बना लूँगी। उसी डबल क्रोशे जो क्रोशे है उसमें मैं ये जो मैंने क्रोशे के ऊपर यार्न लिया है उसी डबल क्रोशेट में डाल के मैं ये ऊपर लाई हूँ और ये पूरा नहीं निकाला है, आधा ही निकाला है। फिर से उसी तरह से अब सारे जो लूप्स है उसमें से मुझे ये बाहर लाना है और ये चेन बनाना है और जो नीचे है डबल क्रोशेट लेके हमें ये फिक्स कर देना है।
इस तरह से। सुई धागे से हमें आंखें लगा के लेनी है। देखिए अब ये लेस है, मैंने गोल्डन कलर का लेस लिया है, इसे मैं यहाँ स्टिच करने वाली हूँ। दोनों साइड से स्टिच करना है। देखिए टिकली लगा के हो गई। अब ये जो मोती है देखिए, एक साइड में पूरे फ्लैट है, हाफ जो आते हैं ये हमें लगाने हैं। जहाँ हमने ये लेस बॉर्डर का इन किया वहाँ से सुई धागा ऊपर लाना है, ये हमें लगा के जाने हैं। पहले लाइन में मैं 3 लगा रही हूँ। मुकुट हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए देखिए अब ये सूंड के ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये है, वो लगा के ले ली है। आप चाहे तो ये कान के ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से सुई धागे से हमें ये पूरे स्टिच करके लेने हैं। पूरे स्टिच करके लेने हैं हमें। ज़्यादा आपको खींच के नहीं लेना है क्योंकि ये फिर खींचा खींचा से देखेगा। हल्के से करना है ये काम।
देखिए हमारे ज्वाइन करके हो गए, एक्स्ट्रा जो धागा है वो कट कर देना है। मुकुट को भी आपको वैसे ही स्टिच करके लेना है। अब मैं आपको ये दो जो पत्ते हैं वो ज्वाइन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो ये हमें ऐसे फोल्ड करने हैं, ऐसे फोल्ड करके जो यहाँ से चार नंबर का जो डबल क्रोशेट है वो छोड़ के उसमें ये एक दो तीन चार, ये चार नंबर का लेना है और नीचे का भी चार नंबर का ही लेना है, एक दो तीन चार। ये यहाँ हमें हमारा धागा लगा के लेना है। इस तरह से दो चेन्स ली मैंने, ज्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज लूज ही ज्वाइन करने हैं, खींच के नहीं लेने हैं। हर एक डबल क्रोशेट में से हमें ऐसे हमें 16 डबल क्रोशेट ज्वाइन करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 11 12 13 14 15 और ये 16 16 डबल क्रोशेट हमें ज्वाइन करना है। अब हमें ये बॉर्डर पट्टी इसको ज्वाइन करना है, ये गणेश जी का जो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से एक और दो छोड़ना है, ये तीसरा वाला जो है डिजाइन ये लेना है। लाइंस में एक दो तीन चार पाँच और छः, छः नंबर का जो लाइन है, छः और सात नंबर का लाइन जो सेंटर आएगा वहाँ हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करते वक्त अब हमें ये ऐसे रखना है, जो यहाँ से पकड़ के नीचे से ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ यहाँ अब हमें हमारा धागा लगा के लेना है। यहाँ ज्वाइन करना है पहला, फिर चेन्स ही लेनी है, पांच पांच चेन्स लेनी है, और जो दूसरा डिज़ाइन है वहाँ हमें क्रोशे हुक को डालना है और वहाँ ज्वाइन करना है। फिर से एक दो तीन चार पांच चेन्स लेनी है, आगे का जो है डिज़ाइन वहाँ हमें ज्वाइन करना है। फिर से एक दो तीन चार पांच, पांच चेन्स लेनी है, आगे के जो गैप है एक दो तीन हो गया, ये चौथा वाला जो गैप है वहाँ हमें ये ज्वाइन करना है। फिर से एक दो तीन चार पांच चेन्स लेनी है और ये जो दो डिजाइंस है ये छोड़ देनी है, एक और दो, ये दो डिज़ाइन जो है वो छोड़नी है, एक और दो, आगे का जो ये डिज़ाइन है एक और दो ये लेना है। अब जो ये एक एक पत्ता जो है वो ज्वाइन हो गए, अब हमें ये चेन्स हैं ये पहले यहाँ ज्वाइन करनी है। देखिए यहाँ फिर से एक दो तीन चार पांच चेन्स बनानी है, ये पहले यहाँ ज्वाइन करनी है। तो जब आगे से दिखेगा तो इवन दिखेगा, देखिए पता नहीं चलेगा कहाँ से,
अगर आपको धागा काट के बनाना है, ज्वाइन करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करना है तो एक ही धागे में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आगे उसी तरह से हमें ऐसे ज्वाइन करते जाना है, फिर से उसी तरह से 1, 2, 3, 4 5 चेन लेनी है। तो मैंने ये 1, 2, ये 2 डिजाइन छोड़ दी है, और आगे का जो तीसरा वाला डिज़ाइन है वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। फिर से इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है, क्या करना है, नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है, नीचे से देखना है। ज्वाइन करके लेनी है जिस तरह से, देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ भी कि पहला वाला 1 और 2 डिज़ाइन छोड़ दिया है, आगे के 1, 2, 3, 4 डिज़ाइन में ज्वाइन किया है, फिर से 1 और 2 डिज़ाइन, ये जो गैप है ये छोड़े हैं, 1 और 2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस छोड़नी है, जो सेंटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस हमें छोड़नी है, 6 नंबर की लाइन है उसमें मैंने ये ज्वाइन किया है। फिर से 1, 2, 3, 4, ये 4 जगह पे देखिए ज्वाइन किया है, आगे के 1 और 2, ये 2 जो गैप्स हैं ये छोड़ दिए हैं। इसी तरह से सारे जो गणपति जी हैं वो हमने ज्वाइन कर लिए हैं, और जो पत्ता है उसके सेंटर में मैंने ये ऑरेंज कलर का पम्पम लगाया है। पम्पम का मेरा वीडियो है, वो आप देखें, उसमें आप बना सकते हैं ये लटकन। 3 छोटे मोती डाले हैं, 1 बड़ा और 3 छोटे मोती, ऐसे एक क्रीम कलर का बनाया है, एक ऑरेंज कलर का बनाया है। जो ऑरेंज कलर का है वो पत्ते के सेंटर में है, और जो क्रीम कलर के हैं वो 2 पत्तों के सेंटर में है। देखिए ये 2 पत्तों के, आप ये लटकन आपको जैसे लगाए हैं वैसे लगाइए, गणपति जी का डेकोरेशन भी आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।